ताजा खबर आप देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज जो जम्मू कश्मीर से मिल रही है वो आपको बता दें। उत्तर प्रदेश से वैष्णो देवी जा रही एक बस कटरा के पास हादसे का शिकार हो गई। यात्रियों से भरी बस पुल से नीचे गिर गई है, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए हैं, जबकि कुछ लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुल के नीचे यात्रियों से भरी हुई एक बस गिर गई है। बताया जा रहा है बहुत से ऐसे लोग हैं जो जख्मी है, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मौत की खबर भी मिल रही है। ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से वैष्णो देवी के लिए एक बस जा रही थी और कटरा के नजदीक जैसे ही वो पहुंची यहां हादसे का शिकार हो गई। 10 से 12 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी घायल हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कटरा के नजदीक एक यात्रियों से भरी हुई बस जैसे ही पहुंची हादसे का शिकार हो गई। आप देखिए किस तरह से यह बस नीचे खाई में जाकर के गिर जाती है। 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो इस हादसे में जिनकी मृत्यु हो गई है। वहीं ये बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जख्मी है और प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द उन्हें उपचार मुहैया कराया जा सके। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुल के नीचे यात्रियों से भरी हुई एक बस गिर गई। उत्तर प्रदेश से यह बस चली थी और वैष्णो देवी के लिए जा रही थी। कटरा के नजदीक यह बस जैसे ही पहुंची खाई में गिर गई। तस्वीरें जो मिल रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं। 10 से 12 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घायल हैं, जख्मी हैं और अभी फिलहाल रेस्क्यू का काम चल रहा है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराकर जल्द से जल्द उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा सके, अभी फिलहाल यही कवायद चल रही है। बड़ी खबर, कटरा के पास हादसे का शिकार हो गई एक बस और उससे जुड़ी हुई जो तस्वीरें मिल रही है वो आपके सामने। तो एक बहुत बड़ा बस हादसा जम्मू कश्मीर में हुआ है, जहां उत्तर प्रदेश से बस चली थी और कटरा के नजदीक जैसे ही पहुंची, क्योंकि ये यात्रियों से भरी हुई बस वैष्णो देवी जा रही थी, कटरा के नजदीक पहुंचते ही यह खाई में जा गिरती है और जितने भी यात्री इसमें सवार थे बताया जा रहा है 10 से 12 लोगों की मौत हो गई। मेरे सहयोगी कोमल जुड़ रही है, उनका मैं रुख करती हूँ। कोमल, अपडेट क्या है अभी? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 75 के करीब बच्चों के साथ लोग थे, इसमें सवार थे और अभी तक 762 लोगों को पुलिस ने और सेना ने रेस्क्यू किया। हालांकि बस उल्टी गिरी थी तो बेहद मुश्किल हो रही है उनको भी शवों को निकालने में, लेकिन अभी कुछ देर में क्रेन वहां पर पहुंचेगी और बस को जो है वहां से हटाने में और बाकी शवों को भी देखा जा रहा है, क्योंकि 75 अगर वहां पे उसमें लोग शामिल थे, ड्राइवर भी था, कंडक्टर भी था, तो उन सबको मिला के जो है वो अभी तक बाकियों को जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। 4 से 5 लोगों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है और बस अमृतसर से वैष्णो देवी जा रही थी, क्योंकि यूपी नंबर गाड़ी है, गाड़ी यूपी से आ रही थी लेकिन देर रात ये अमृतसर से निकली है और तड़के सुबह ये नेशनल हाईवे पे जा गिरती है। और इससे पहले आपको बता दें कि 10 दिन पहले भी ऐसे ही यात्रियों की बस का हादसा हुआ था और दुर्घटना में काफी लोगों की मरने की खबर आई थी। ठीक ऐसे ही सेम जगह पर आज भी जो है वो दुर्घटना होती है। ये बेहद बड़ा हादसा है जिसमें 10 से 12 लोगों की जान के नीचे गिर गई। कुछ वजह अभी तक सामने आ पाई है क्या इस हादसे की? जी बिल्कुल, एक यात्री की अभी हमारे पास एक जो है यात्री ने पुलिस से बात की, उन्होंने बताया है कि वो बस जो है वो नियंत्रण खो बैठी थी, ऐसे में यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और बस जो है वो जाके खाई में गिरी। जी, और ये नेशनल हाईवे पे कितने सवार थे कुछ इस बारे में जानकारी कोमल? देखिए, परिवार सारे जो ये अमृतसर से गाड़ी जो है वैष्णो देवी जा रही थी, परिवार बहुत ज्यादातर परिवार के लोग ही थे, इसमें महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कोमल इस जानकारी के लिए।